शुभ संध्या, मैं मोनिका चौहान आपका भारत स्काउट एंड गाइड्स की तरफ से हिंदी बीएसजी न्यूज चैनल में स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज के मुख्य समाचार की ओर। ओडिशा के राज्यपाल महोदय ने 6 जुलाई को पुरी में कार फेस्टिवल राष्ट्रीय शिविर का उद्घाटन किया। ओडिशा राज्य के स्काउट गाइड्स रोवर रेंजर्स ने अपनी सेवा दी। वरिष्ठ बॉलीवुड अभिनेता ने राष्ट्रीय मुख्यालय का दौरा किया। प्रोजेक्ट क्लैब के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। बीएसजी के सदस्यों द्वारा संपूर्ण भारत में वन महोत्सव मनाया। अरुणाचल प्रदेश राज्य ने रात्रि ट्रैकिंग कार्यक्रम आयोजित किया। मध्य रेलवे ने 7 जुलाई को कैरियर निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा एक विशाल वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया गया। पूर्वी रेलवे ने राष्ट्र स्तरीय सिक्सर पेट्रोल रीडर्स और रोवर स्ट्रेंजर मैट प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया। जम्मू और कश्मीर राज्य ने प्रथम चरण और कोमल पंख प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया। कर्नाटक राज्य ने डेंगू और मलेरिया के सार्वजनिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ विरोधी दिवस समस्त भारत में मनाया गया। मध्य प्रदेश और तमिलनाडु द्वारा सर्व स्मार्ट प्रशिक्षण आयोजित किया गया। उत्तर मध्य रेलवे ने पायनियरिंग और इंस्टीमेशन कोर्स आयोजित किया। उत्तर पूर्व रेलवे ने स्काउटर गाइडर मीट आयोजित की। दक्षिण पूर्व रेलवे ने जिला स्तरीय स्काउटर गाइड कार्यशाला आयोजित की। दक्षिण रेलवे ने पेट्रोल लीडर और रोवर रेंजर मीट प्रशिक्षण आयोजित किया। उत्तराखंड द्वारा HAM रेडियो प्रशिक्षण आयोजित किया। पश्चिम मध्य रेलवे ने पल्स पोलियो अभियान आयोजित किया। आइए समाचारों को विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। ओडिशा श्री रघुवीर दास माननीय राज्यपाल ओडिशा और ओडिशा राज्य भारत स्काउट एंड गाइड्स के प्रमुख संरक्षक ने 6 जुलाई 2024 को श्री सदाशिव परिसर पुरी ओडिशा में कार महोत्सव राष्ट्रीय सेवा शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय पुरी के निदेशक श्री बनमाली विश्वाल और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व ओडिशा राज्य के प्रमुख आयुक्त डॉक्टर काली प्रसाद मिश्रा भी उपस्थित थे। इस शिविर में पूरे राज्य से 350 स्काउट गाइड रोवर रेंजर और यूनिक लीडर्स ने भाग लिया। NHQ वरिष्ठ बॉलीवुड अभिनेता श्री जितेंद्र सिंह साबू और श्री मनोज बख्शी ने 12 जुलाई 2024 को हाई स्काउट एंड गाइड के राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली का दौरा किया। बीएसजी के मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त डॉक्टर के खंडेलवाल IAS सेवानिवृत्त ने उन्हें आंदोलन के बारे में जानकारी दी और बीएसजी का स्काफ भेंट किया। प्रोजेक्ट क्लैब जल जीवन हरियाली कार्यक्रम 6 जुलाई 2024 को प्रोजेक्ट क्लैब के तहत रामदुलारी गंगा हाई स्कूल चिन्नारी रोहतास बिहार में आयोजित किया गया। रामदुलारी गंगा हायर स्कूल चेन्नारी के क्लैब के तहत जल जीवन हरियाली कार्यक्रम आयोजित। प्रोजेक्ट क्लैब के तहत उत्तर पूर्वी रेलवे वाराणसी जिला संघ भारत स्काउट एंड गाइड्स और यूनिसेफ के संयुक्त रूप से 6 जुलाई 2024 को स्काउट डे में एक कार्यक्रम चलाया जिसमें पोस्टर और वीडियो के माध्यम से लोगों को जागरूकता बढ़ाने के काम किया गया जिसमें 25 सदस्यों ने भाग लिया। PM श्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परासिया जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश जिला स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें छात्रों ने एनीमिया से बचने के सही तरीके हाथ धोने लू से बचाव के बारे में बताया। इसमें 60 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। 7 जुलाई 2024 को छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा एक वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें श्री कुणाल दुधावर जिला कलेक्टर और कोंडागांव जिले के संरक्षक ने भाग लिया। इस दौरान लगभग 200 पौधे लगाए गए। 7 जुलाई 2024 को भारत स्काउट एंड गाइड्स और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जा रहे क्लैब प्रोजेक्ट के तहत अलीराजपुर जिला संघ द्वारा दस्तक से डायरिया रोकथाम अभियान का आयोजन किया गया। यह अभियान 25 जून 2024 से 31 अगस्त 2024 तक पूरे राज्य में चलाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश राज्य भारत स्काउट एंड गाइड्स ने 1 जुलाई से 10 जुलाई 2024 तक नंदियाल जिले में वन महोत्सव मनाया जिसमें 10 स्कूलों के 100 स्काउट और गाइड ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में राज्य मुख्य आयुक्त राज्य सचिव जिला सचिव और DEO ने भाग लिया और वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान सभी जगहों पर पौधे लगाए गए। अरुणाचल प्रदेश 21 जून 2024 को अरुणाचल प्रदेश के शियोमी जिले के चेमुखा में भारत स्काउट एंड गाइड्स नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने मलेरिया डेंगू और स्वच्छता पर आधारित एक रात की पैदल यात्रा सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। सेंट्रल रेलवे मध्य रेलवे राज्य भारत स्काउट एंड गाइड्स के अंजनी के विक्रांत सागर समूह ने 7 जुलाई 2024 को शंकर धीमान मेमोरियल स्काउट एंड गाइड्स डे अंजनी में एक कैरियर निर्माण संगोष्ठी का आयोजन किया। इस संगोष्ठी में मुख्य अतिथि श्री अभिषेक कुमार गुप्ता IRSE मंडल इंजीनियर उत्तर मध्य रेलवे नागपुर की उपस्थिति रही। अंजनी के विभिन्न समूहों के 60 स्काउट गाइड और यूनिक लीडर्स ने संगोष्ठी में भाग। छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ के राज्य मुख्य आयुक्त डॉक्टर सोमनाथ यादव के निर्देश पर एक पेड़ माँ के नाम से भीम के साथ एक विशाल वृक्षारोपण अभियान सभी जिलों में चलाया गया, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित था। डॉक्टर यादव ने समय रायपुर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डुंडा में स्काउट गाइड, रोवर्स और रेंजर्स के साथ पेड़ लगाए और संरक्षण और संवर्धन के शपथ ग्रहण समारोह का नेतृत्व किया। 9 जुलाई 2024 को कबीर धाम के वन और जलवायु परिवर्तन विभाग ने वृक्षारोपण और निशुल्क पौधा वितरण कार्यक्रम शुरू किया। कबीर धाम जिले के स्काउट गाइड, रोवर और रेंजर्स ने छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया और पेड़ पौधे लगाए। ईस्ट सेंट्रल रेलवे 8 जुलाई 2024 जिला संघ DDU के लायंस ओपन ग्रुप के स्काउट और गाइड ने पूर्व मध्य रेलवे राज्य द्वारा आयोजित वन महोत्सव के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम के वरिष्ठ मंडल कार्यालय अधिकारी सह जिला आयुक्त श्री सुजीत सिंह ने भाग लिया। पूर्व मध्य रेलवे राज्य भार स्काउट एंड गाइड जिला संघ गरघरा के विवेकानंद स्काउट ग्रुप द्वारा 9 जुलाई 2024 को वन महोत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम का संचालन जिला सचिव श्री जीवानंद मिश्रा के नेतृत्व में किया गया। एक रैली का आयोजन किया गया और स्थानीय लोगों को पर्यावरण की रक्षा के लिए जागरूक किया गया, साथ ही तुलसी के पौधे वितरित किए गए। ईस्टर्न रेलवे पूर्वी रेलवे राज्य भार स्काउट एंड गाइड्स ने 7 जुलाई से 9 जुलाई 2024 तक मधुपुर में राज्य परीक्षण पार्क में राज्य स्तरीय शिक्षा पेट्रोल लीडर और रोवर रेंजर में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया, जिसमें 233 रोवर्स और रेंजर्स ने भाग लिया। श्री संजीव शाह, राज्य संगठन आयुक्त स्काउट, मुख्य अतिथि ने 7 जुलाई 2024 को शिविर का उद्घाटन किया। हरियाणा, हरियाणा राज्य ने 29 जून 2024 को राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा आयोजित OYMS राज्य स्वयंसेवकों के वेबिनार में भाग लिया। इस वेबिनार में 11 वयस्क प्रशिक्षकों ने भाग लिया। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में टोडीपुर देवी यूनिट के 18 स्काउट और गाइड ने वन महोत्सव में भाग लिया और स्काउट मास्टर श्री सतीश कुमार राणा के नेतृत्व में जनता को 50 तुलसी और 15 नीम के पौधे वितरित किए। इन पौधों को माता मंदिर टोनी देवी में मंदिर समिति के अध्यक्ष श्री स्वर्ण चौहान, वन विभाग के कर्मचारी समिति के सदस्यों और स्थानीय निवासियों की सहभागिता से लगाया गया। जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर राज्य भार स्काउट एंड गाइड्स के अनंतनाग जिला संघ ने 4 जुलाई से 5 जुलाई 2024 तक शासकीय हाई स्कूल शंकरपुरा दूर अनंतनाग में कब्स, बुलबुल, स्काउट और गाइड के प्रवेश प्रथम चरण और कोमल पंख प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में विभिन्न पंजीकृत स्कूल और समूह के 78 कब्स, बुलबुल, स्काउट और गाइड्स ने भाग लिया। झारखंड, 6 जुलाई 2024 झारखंड राज्य भार स्काउट एंड गाइड्स के संत हाइग्नेशन हाई स्कूल जिला गुमला के 30 स्काउट ने संगोन, कुम्हर और काली शीशम के 17 पौधे लगाए। इस प्रयास का मकसद उनके पर्यावरण संरक्षण और अपने समुदाय में हरियाली बढ़ाने के लिए था। कर्नाटक, कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्गा जिला संघ ने डेंगू और मलेरिया के खिलाफ जन सचेतना अभियान का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जिला उपाध्यक्ष श्री उजिनप्पा ने किया। 50 रोवर रेंजर इस अभियान में सक्रिय भाग लिया। लोगों के घरों में जाकर उन्हें डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से बचाव के उपायों के बारे में जागरूक किया। 2023 और 24 के लिए कई जिला संघों में SSLC और पीयूष टॉपर्स के लिए समान समारोह 16 और 17 जून 2024 को बेंगलुरु उत्तर और दक्षिण कनाडा में आयोजित किया गया। कर्नाटक के परिवहन और मुजरई मंत्री श्री रामलिंगा रेड्डी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। राज्य मुख्य आयुक्त श्री PGR सिंधिया ने कार्यक्रम का अध्यक्षता की। केरला, 26 जून 2024 को केरल राज्य भार स्काउट एंड गाइड्स ने अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ विरोधी जागरूकता कार्यक्रम और गतिविधियों का आयोजन किया, जिसमें लगभग 2000 सदस्यों ने भाग लिया। एक रैली को सर सदस्य HSS कलियम्पा कन्नूर में आयोजित किया गया, जहां सदस्यों ने मादक पदार्थ के खिलाफ शपथ ली। इस कार्यक्रम का उद्घाटन सहायक एक्साइज इंस्पेक्टर श्री वी मनोज देव माता ने किया। इसके अलावा मावेलीग्रा स्थानीय संघ ने 3 जुलाई 2024 को आजिकल बीच कॉलम में समुद्र तट ट्रैकिंग और बीच सफाई का आयोजन किया। केस्टर पुलिस सब इंस्पेक्टर श्री साबू वी ने इस आयोजन का दौरा किया और इस प्रयास की सराहना की। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के दतिया जिला संघ ने PM श्री हाई स्कूल सिविल लाइन्स दतिया में सर स्मार्ट 2.0 प्रशिक्षण का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में राज्य प्रशिक्षण श्री निखिल तरसोलिया द्वारा स्काउट गाइड, यूनिट लीडर, छात्रों और साथ ही जिला संघ के अधिकारियों को भी प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन श्री अतिलक सिंह DOS और श्रीमती अनीता शर्मा ने किया, जो कि विशेष अतिथि थे। मेघालय,
20 जून 2024 को लेडी कीन रेंजर कंपनी की रेंजर्स और सेंग हाई स्कूल और सेंट एथोनी कॉलेज के रोवर्स ने श्रीमती नॉक्सिन एसोसी गाइड के नेतृत्व में शिलोंग क्लब में अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ व अवैध व्यापार विरोधी दिवस का आयोजन किया। यह कार्यक्रम पूर्वी खासी हिल्स जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय द्वारा आयोजित किया गया था। 15 जून 2024 को मेघालय के पश्चिम जटिलिय हिल्स जिले में 32 सदस्यों ने अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ और अवैध व्यापारी विरोधी दिवस के अवसर पर कार्यशाला और संवेदनशील कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम पश्चिम जटिलिय हिल्स जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय द्वारा लूंगोइस न्यू हिल्स कम्युनिटी हॉल में आयोजित किया गया था। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे भारत स्काउट एंड गाइड्स ने 19 जून से 23 जून 2024 तक स्टेट ट्रेनिंग सेंटर सुबेदागंज में पायनियरिंग और इंस्टीमेशन शिविर आयोजित किया। इस शिविर के राज्य मुख्य आयुक्त और SDGM NCR द्वारा मंजूरी दी गई। उद्घाटन समारोह का आयोजन श्री एम के कुशेश्वर राज्य सचिव और डिप्टी COP मुख्यालय ने किया। जून 22 तारीख को ग्रैंड कैंप फायर का समारोह आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय अस्पताल प्रयागराज के उपाध्यक्ष और MD श्री संजीव कुमार हांडू मुख्य अतिथि के साथ एक वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे 7 जुलाई 2024 को उत्तर पूर्वी रेलवे के इज्जत नगर जिला संघ स्काउटर कुटीर नंबर 4 में स्काउटर गाइडर मीट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के नेतृत्व और मार्गदर्शन श्री अनुज रंजन SDCS और SOC श्री रंजीत शर्मा ने किया, जिसमें 40 सदस्यों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त भारत स्काउट एंड गाइड के प्रोजेक्ट क्लैप के तहत नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के वाराणसी जिला संघ ने 6 जुलाई 2024 को एनीमिया जागरूक किशोर स्वस्थ और लू पर ध्यान केंद्रित पहल में सक्रिय भाग लिया। क्लैप प्रशिक्षकों ने इस अवसर पर जानकारी पूर्वक वीडियो क्लिप के माध्यम से 25 स्काउट गाइड रोवर रेंजर्स को प्रेरित किया। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे 26 जून 2024 को नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे के न्यू जलपाईगुड़ी जिला संघ के सदस्यों ने मादक पदार्थ और अवैध व्यापार विरोधी दिवस का आयोजन किया। 17 जून 2024 को रंगापानी रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी और 13174 अगरतला कंचनजंगा एक्सप्रेस की टक्कर हुई, तब न्यू जलपाईगुड़ी जिला संघ के सदस्यों ने अधिकारियों के निर्देशानुसार तुरंत पानी की बोतलें और भोजन वस्त्र उपलब्ध कराए, ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए और वितरित किए, स्ट्रेचर का प्रबंध, वाहन पार्किंग और नियंत्रण किया, जरूरी घोषणाएं की और अन्य जरूरी कार्य में मदद की। राजस्थान पर्यावरण सप्ताह के 7वें दिन राजस्थान के उदयपुर में विजन एकेडमी स्कूल के स्काउट एंड गाइड ने एकल उपयोग के प्लास्टिक का बहिष्कार करने का वचन लिया और जनता को कपड़े के थैलों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। एको आयरन एकेडमी वालपुरा काला के सदस्यों ने पौधे लगाने का कार्यक्रम के अभियान में मटकों में पौधे लगाए। साउथ सेंट्रल रेलवे साउथ सेंट्रल रेलवे हैदराबाद जिला संघ के कब्स बुलबुल स्काउट गाइड रोवर रेंजर माता पिता यूनिट लीडर DOC और DTC ने एक साथ आकर 2024 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जश्न मनाया और एक कदम फाउंडेशन के साथ सहयोग में एक वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। इस घटना का आयोजन 23 जून 2024 को हैदराबाद जिला प्रशिक्षण केंद्र जिला स्काउटर डे में किया गया। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के जिला स्तरीय स्काउट गाइड वर्कशॉप सह सम्मेलन का आयोजन रायपुर जिला द्वारा 3 जुलाई से 5 जुलाई 2024 तक खडोरी राज्य प्रशिक्षण केंद्र में किया गया। इस कार्यक्रम में 47 स्काउटर और गाइडर्स ने भाग लिया। वर्कशॉप का प्रयोजनिक प्राथमिक चिकित्सा, पायनियरिंग, स्काउटिंग और मौलिक सिद्धांत और युवा कार्यक्रम के प्रगतिशील चरणों के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। साउथ ईस्टर्न रेलवे आगरा जिला संघ के सदस्यों ने 7 जुलाई 2024 को रथ यात्रा के दौरान सेवाएं प्रदान की। दक्षिण पूर्वी रेलवे राज्य संघ ने 8 जुलाई 2024 से 14 जुलाई 2024 तक आगरा के राज्य प्रशिक्षण केंद्र में कब मास्टर, स्काउट मास्टर और रोवर स्काउट लीडर्स के लिए बेसिक कोर्स का आयोजन किया, जिसमें कुल 41 प्रशिक्षुओं ने भाग लिया और 16 प्रशिक्षकों ने इस शिविर में अपनी सेवाएं दी। इस शिविर का उद्देश्य स्काउटिंग के महत्वपूर्ण नेतृत्व कौशल को सीखने और सिखाने का था। सदर्न रेलवे दक्षिण रेलवे भारत स्काउट एंड गाइड्स ने 1 जुलाई से 4 जुलाई 2024 तक मंडपम में राज्य प्रशिक्षण केंद्र में पेट्रोल लीडर रोवर रेंजर मेट्स प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया। दक्षिण रेलवे राज्य ने विभिन्न जिलों से लगभग 100 प्रतिभागी शामिल हुए। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य स्काउट्स, गाइड, रोवर और रेंजर्स को योग्य प्रशिक्षक बनाना था। उत्तराखंड उत्तराखंड राज्य ने 6 जुलाई 2024 को उत्तराखंड में रीजनल कैंपिंग सेंटर भोपालपानी देहरादून में एक हेम रेडियो प्रशिक्षण कोर्स आयोजित किया, जिसका उद्घाटन श्री वीरेंद्र सिंह बिष्ट राज्य प्रशिक्षण आयुक्त ने किया। इस अवसर पर हेम रेडियो प्रशिक्षण श्री BP अरुणदार स्थापक सदस्य MS नाथ और देहरादून जिला सचिव डॉक्टर अजय शेखर बहुगुणा समेत अन्य सदस्य मौजूद थे। इस कोर्स में उत्तराखंड के सभी जिलों से 30 रोवर रेंजर और यूनिट लीडर ने भाग लिया। वेस्ट सेंट्रल रेलवे
पश्चिम मध्य रेलवे राज्य भार स्काउट एंड गाइड्स ने कोटा डिवीजन ने 30 जून से 2 जुलाई 2024 तक रेलवे कॉलोनी और रेलवे स्टेशन के पल्स पोलियो अभियान आयोजित किया। इस अभियान को सफल बनाने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में DOCS और DOCG सहित सदस्यों ने अपने सेवाएं दी। आइए बढ़ते हैं नए जारी किए गए परिपत्रों की ओर। परिपत्र संख्या 99 वर्ष 2024 के लिए गोल्डन एरो पुरस्कार। परिपत्र संख्या 106 YLACC पाठ्यक्रम का 5 क्षेत्रीय भाषाएं हिंदी, बंगाली, ओडिशा, तमिल, मराठी, मलयालम में अनुवाद करने के लिए अनुवाद टीम की आवश्यकता है। परिपत्र संख्या 114 किशोर स्वास्थ्य पर गतिविधि पैक जारी करना स्वास्थ्य सद्दाव। परिपत्र संख्या 116 मानसून मिले जलवायु परिवर्तन से बचाव के लिए बीजों के गोले बनाना। परिपत्र संख्या 117 जून 2024 में भारत स्काउट एंड गाइड्स की उपलब्धियों का पुनः कथन। परिपत्र संख्या 118 21 सितंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस समारोह के लिए गतिविधि तय। परिपत्र संख्या 119 जलवायु परिवर्तन पर यूथ लैंड एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज पर राष्ट्रीय प्रशिक्षण। परिपत्र संख्या 120 रिमाइंडर लोगो और थीम प्रतियोगिता BSG की 75वीं वर्षगांठ। परिपत्र संख्या 121 परिपत्र संख्या 119 2024 YLACC के लिए प्रशिक्षकों की राष्ट्रीय प्रशिक्षण हेतु संशोधन। परिपत्र संख्या 122 वेजर लीडर्स के लिए बेसिक कोर्स। परिपत्र संख्या 123 स्वतंत्रता दिवस 2024 का उत्सव। परिपत्र संख्या 124 अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2024 का उत्सव। परिपत्र संख्या 125 सौम्य समापत्र वर्ष 2023-2024 के लिए एनुअल सेंसस सदस्य डेटा प्रस्तुत करना। धन्यवाद।